देख रही हो, इसीलिए मैंने कहा था मत निकलो, आज बहुत सारी शादियां हैं, हर जगह जैम मिलेगा, लेकिन नहीं तो अब यही बैठे बैठे भजन गाते रहो बस। हाँ, वैसे भी मुझे तो उस वकील के लड़के की शादी में जाना भी नहीं था। वो आया था? नहीं आया था ना, ना हमारी रोहित के शादी में ना रोहित के शादी में, दोनों बार नहीं आया था। लेकिन तुम्हारी बात ही कुछ अलग थी, इतने प्यार से बुलाया भाई साहब, बुरा मान जाएगा, नहीं जाएंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, चलो चलो चलो, अब रहो रहो रहो, यहीं जैम में फंसे रहो है? पता नहीं कब पहुंचेंगे, कब खाएंगे। चाट पकौड़ी तुम्हारी फेवरेट, वो तो अब तक खत्म हो गई होगी, क्या खाओगी है? तुम्हें पता है उस लड़के का पहले भी एक बार तलाक हो चुका है, फिर भी उसका रिश्ता तय हो गया। ये कमाल है आजकल की जेनरेशन, ये सैक्रिफाइस, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, ऐसी कोई शब्द ही नहीं है उनकी डिक्शनरी में। यार बात तो हमारे जमाने में थी, बाबूजी से मार खाते थे, थप्पड़ खाते थे, डांट खाते थे, लेकिन तुम्हारे सामने आकर मुस्कुराते थे। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो, मजा आ रहा है क्या? जब तुमसे गाली खाता था ना, तब भी बाबूजी के सामने जाके मुस्कुराता था, ताकि उनको पता ना लगे, उनको बुरा ना लगे। इसे कहते हैं तालमेल, इसे कहते हैं संस्कार। ऐसे परिवार बनता है, ऐसे थोड़ी है अगले को अंग्रेजी फिल्म पसंद नहीं आई तो तलाक, अगले को सब नमक में सब्जी में नमक कम मिला तो तलाक, ज्यादा मिला तो तलाक। कमाल है, ये तलाक नहीं हो गया कि आइसक्रीम का फ्लेवर हो गया है? मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बताइए सविता जी। देखिए मैं, अरे यार अब ये बदतमीज मेरे हाथ से मार खाएगा, मैं बैंड बजा दूंगा उसका, मैं बता रहा हूं आपको, आप मुझे रोकना मत, मैं बता रहा हूं, बहुत देर से पूं 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 कर रहा है वो। हेलो, ओ भाई साहब, इधर इधर इधर, क्या तब से पूं 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 पूं, क्या आप फंसे हैं? मैं भी फंसा हूं, हर कोई यहां पर जैम में फंसे हैं, उड़ के जाऊं क्या? क्या चाहिए आपको, बार बार पों 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 क्यों कर रहे हैं? आइंदा अगर पों पों किया ना, वहीं आके पों पों बजा दूंगा मैं आपकी। हॉकी स्टिक रखा हुआ है गाड़ी में, आओ। बेवकूफ कहेगा, नहीं नहीं आपसे नहीं कह रहा हूं, वो तो ये वो जैम खुल रहा है शायद, थोड़ा